फ्रेंड्स वेलकम टू यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश मेन कोर्स की सेकेंड पोएम नो मैन आर फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं। ये पोएम जेम्स किरकप ने लिखी है। किसने लिखी है? जेम्स किरकप ने। सबसे पहले हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसके टाइटल से हमें क्या पता चलता है। नो मैन आर फॉरेन, फॉरेन मीन्स पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, जो दूसरे देश से संबंध रखे। और नो मैन आर फॉरेन मीन्स नो मैन बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से संबंध नहीं रखता है। ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर इक्वल, द पोएट प्रमोट्स ब्रदरहुड, कि इस पोएम में पोएट यही बताना चाहते हैं कि सब लोग एक हैं, सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, कोई अलग नहीं है और ना ही कोई पराया है। आज हम लोग इस पोएम का फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे। आइए शुरू करें पोएम नो मैन आर फॉरेन। द पोएट सेज दैट ऑल मैन आर इक्वल, कवि कहता है कि सब लोग एक बराबर हैं। वन शुड लव एंड रिस्पेक्ट अदर्स एज वंस इक्वल्स, कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ बिना किसी फर्क के प्यार से व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। देयर इज नो रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन, कि परमात्मा की बात की गई है, ईश्वर की बात की गई है कि उसने वास्तव में किसी तरह का कोई भेद नहीं रखा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं। ऑल डिस्टिंक्शंस आर ओनली मैन मेड एंड फ्यूटाइल, कवि कहता है ये जो सब भेदभाव किए गए हैं, ये जो सब फर्क बनाए गए हैं, ये सिर्फ मनुष्य ने खुद बनाए हैं और ये सब फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ हैं, इन भेदभावों का कोई फायदा नहीं है। वी शुड मेक दिस अर्थ अ हेवन ऑफ पीस जॉय एंड इक्वालिटी बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव फेथ एंड प्रोस्पेरिटी, कवि कहता है कि वी शुड मेक दिस अर्थ, हमें इस धरती को एक ऐसा स्वर्ग बनाना है जहाँ पर शांति, खुशी और इक्वालिटी हो, जो किस पे निर्भर हो? म्यूचुअल लव, आपसी प्यार, विश्वास, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि पर। हाउ कैन वी डू दैट, कवि कहता है ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं इनके द्वारा। आइए इसे ही हम लोग आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पैरा, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, कवि कहता है कि हमेशा याद रखो कि कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता, ना ही कोई देश बेगाना होता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, यूनिफॉर्म मतलब पोशाक, ड्रेस के लिए यूज़ करते हैं, और ब्रीथ सांस लेना, कि अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनने वाले, कि जैसे मुस्लिम हैं वो अलग ड्रेस पहनते हैं, हिंदू अलग ड्रेस पहनते हैं, क्रिश्चियन अलग ड्रेस पहनते हैं, तो कहते हैं सब लोगों का शरीर एक ही जैसा है, चाहे ड्रेसेस अलग अलग पहनी जाती हैं, कि सभी एक तरह से सांस लेते हैं। मींस कि जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही दूसरे देशों में रहने वाले बाकी के लोग सांस लेते हैं। लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, कि जिस जमीन के ऊपर हमारे भाई चलते हैं, लाइक आर्स वैसी ही है जिसके ऊपर हम चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई, कि जब हम सब मरेंगे तो एक ही धरती पर मरेंगे, कि धरती जो ज़मीन है ये सारी एक जैसी है, परमात्मा ने सबको एक ही धरती पर जन्म दिया है, ये तो लोगों ने फ़र्क कर लिया है। और जब हम लोग जन्म लेते हैं एक ही धरती पर जन्म लेते हैं, जब हम लोग मरते हैं एक ही धरती पर मरते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, कि वे लोग
जो दूसरे देशों में रहते हैं उसी सूरज हवा पानी का उपयोग करते हैं जो हम यूज़ करते हैं. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट मीन्स कि वे सब भी हमारी तरह ही पीसफुल मतलब शांति के समय फसलों से भोजन प्राप्त करते हैं, कि वो भी हमारी तरह ही ज़मीन पर खेती करते हैं. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और जब युद्ध लगते हैं युद्ध रूपी लंबी सर्दी आती है तो सबको भूखे मरना पड़ता है. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारी तरह ही हैं. एंड इन देयर लाइव्स वी रीड, इन देयर लाइव्स वी रीड अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, कि उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़कर हम जान सकते हैं कि वे लोग भी वैसे ही मेहनत करते हैं जैसे कि हम मेहनत करते हैं, कि चाहे कोई दूसरे देश में रह रहा है चाहे कोई हमारे देश में रह रहा है, सब लोग एक समान मेहनत करते हैं. अगर युद्ध होते हैं कोई जंग लगती है तो सब लोगों को एक समान भूखे मरना पड़ता है, हर व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है. इसके बाद बेटे वर्कशीट है. सबसे पहले वर्ड मीनिंग है. राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी एंड पंजाबी. हिंदी में या पंजाबी में आपने इन शब्दों के मीनिंग लिखने हैं. फर्स्ट सट्रेंज, सेकंड इज अवार्ड, थर्ड इज पीसफुल हार्वेस्ट, फोर्थ इज स्टार्व्ड एंड फिफ्थ इज लेबर. सेकंड नंबर पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोएट. आपने इस पोइम का नाम और पोएट का नाम लिखना है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी रिमेंबर. कवि कहता है कि हमें किस चीज़ को याद रखना है, कि हमें किस चीज़ को याद रखना है कि कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश जो है वो अलग नहीं है. इसी को आपने इंग्लिश में लिखना है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर ऑल मेन टू अस, कि सब लोग हमारे लिए कैसे हैं, किस समान हैं, वो हमारे लिए बाई के समान है. इसको आपने इंग्लिश में लिखना है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू ऑल मेन ऑफ द वर्ल्ड मेक यूज ऑफ. पूरे संसार के लोग जो हैं, इस संसार के सारे लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं. हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि सब लोग सूरज हवा पानी का एक समान प्रयोग करते हैं. इसको आपने इंग्लिश में लिखना है. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय पीसफुल हार्वेस्ट, सेकेंड इज वार्स लॉन्ग विंटर. इन शब्दों के आपने इंग्लिश में मीनिंग लिखने हैं. पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब होता है फसलें जिन्हें कि हम लोग अच्छे समय पर शांति के समय पर उगाते हैं, और वार्स लॉन्ग विंटर का मतलब होता है वो दर्दनाक दिन जब हम लोगों को भूख के मारे मरना पड़ता है लड़ाई के दिनों में. नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है द पोएट सेज दैट नो मैन आर डैश, वर्ड है फॉरन. नेक्स्ट सेकंड है अकॉर्डिंग टू द पोएट नो डैश आर फॉरन. पोएट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो है वो विदेशी नहीं है, तो यहाँ पर आदमी को व्यक्ति को आपने इंग्लिश में लिखना है. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल अदर कंट्रीज आर फॉरेन, कि पोएट कहता है कि बाकी के सब देश जो हैं वो फॉरेन हैं, वो दूसरे देश हैं. सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स. सेकंड है वी शुड नॉट हेट एनीबडी, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए. सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स. फिफ्थ नंबर पर रीट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स इन हिंदी और पंजाबी. आपने नीचे दी गई लाइनों को हिंदी या पंजाबी में रीट्रांसलेट करना है, लिखना है. फर्स्ट है नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, और सेकंड सेंटेंस है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. इनको आपने अपनी कॉपीज पर कंप्लीट करना है. थैंक यू.